लोग का भी भिखारी बना के रखे हैं। भिखारी बना दिया है? कैसे भिखारी बना दिया है? मुखिया के नाम पर भिखारी बना के रखे हैं सरकार हम लोग को। तो बताइए तब नहीं कि 2500 रुपया दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं? सब काम तो मुखिया ने काम दे रहे हैं, सब चीज तो अपने पास रख रहे हैं। क्या क्या चाहिए बताइए? हम लोग का सब काम चाहिए, चौदहवीं पंचम। कि आपका जब वेतन और भत्ता का बात आता है तो आप चुपचाप बढ़ा लेते हैं, कोई जानता नहीं है। 243 के 243 सदस्य में थपथपा कर करके 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख पास करवा लेते हैं अपना वेतन भत्ता। मैंने सरकार हमसे पत्र के माध्यम से छीन रही, इनडायरेक्ट में छीन रही है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में हम लोग का अधिकार छीन रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार को कटोरा हम लोग भी थमा देंगे। हम लोग को सरकार जो अथी जनता चुना है और जनता का मांग मुखिया लोगों से है, और मुखिया लोग अगर जनता को मांग नहीं पूरा करेंगे तो भड़का करके हम लोग उसके विपरीत वोट कर देंगे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को हाथ में कटोरा हम लोग थमा देंगे। नमस्कार, मैं दिलशाद, आप देख रहे टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं अकबरपुर में हूँ और ये अकबरपुर का जो है प्रखंड परिसर है, और यहाँ पे मुखिया संघ व वार्ड संघ का जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण जानेंगे। हमारे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे जिसमें लिखा है बिहार राज्य मुखिया संघ के आह्वान पर सरकार के नीति के विरुद्ध एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। चलिए, यहाँ के जो है अकबरपुर प्रखंड के जो है तमाम मुखिया यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हम वार्ड संघ के जो भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मुखिया लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आइए, आपको थोड़ा से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिमन्यु कुमार। मुखिया हैं आप? जी, ग्राम पंचायत बरेउ। यहाँ पे जो है एक दिवसीय धरना क्यों कर रहे हैं? धरना हम लोग सरकार के गलत नीतियों, जो सरकार जनप्रतिनिधियों का शोषण कर रही है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने को विवश हुए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, और वो कहते थे कि असली लोकतंत्र हमारा गांव में बसती है। और जब उसी परिकल्पना के साथ जब ग्राम स्वराज की स्थापना हुई, तो उस ग्राम स्वराज की स्थापना इस अवधारणा के साथ की गई कि जो असली लोकतंत्र है हमारा, वह चमकेगा, वह बिखरेगा, वह मजबूत बनेगा, और उससे गांव के विकास होंगे, गांव के लोग सुदृढ़ होंगे, गांव स्वच्छ बनेगा, स्वस्थ बनेगा, गांव बेहतर बनेगा। लेकिन आज कल जो ग्राम के प्रधान के साथ जो असली लोकतंत्र, जो गांव के प्रतिनिधियों के साथ जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वह बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि आज कल एक भी अधिकार मुखिया के पास रहने नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से आदेश दिया जाता है और मुखिया को विवश किया जाता है कि आपको उस आदेश को हर हाल में मानना पड़ेगा। जिस जो परिकल्पना हुई थी, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, और उसी परिकल्पना के साथ 1992 में जब यह अधिनियम आया था और 1993 में जब इसे लागू किया गया था, तो उसमें 29 अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए थे। 29 प्रकार के अधिकारों में से आज ग्राम पंचायतों के पास एक भी अधिकार नहीं बचा हुआ है। आज एक भी अधिकार अपना पाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग इस तरह से विवश हो गए हैं कि हमें अब मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है, बैठ करके अपनी मांगे खुद मांगना पड़ रहा है। आज जिस तरह से हम लोगों को अपमानित किया जाता है, जिस तरह से मुखिया को अपमानित किया जाता है, कहीं ना सम्मान दिया जाता है, ना सुरक्षा दिया जाता है, ना अधिकार दिया जाता है। जो स्वायत्तता और संसाधन और शक्ति के परिकल्पना के साथ पंचायतों का गठन किया गया था, उसमें से सभी गायब है। कहीं से न तो संसाधन है, न शक्ति है, न स्वायत्तता अब रह गई है। जो इस तरह से गांव के सबसे निचले, लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान को और मजबूत स्तंभ को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हम प्रतिनिधियों को वेतन के नाम पर अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है। अगर सरकार हमारे मांगे नहीं माने तो हम लोग संघर्ष का रास्ता चुने हैं, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी जागेगी और मुखिया जी को अपना अधिकार वापस मिलेगा, हमारे वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार वापस मिलेगा, हमारे त्रिस्तरीय सदस्यों को उसके अधिकार वापस मिलेंगे। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी मुखिया है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार राकेश है। कहाँ बैठे हैं यहाँ पे?
यहाँ पे सरकार का जो मुखिया का जो अधिकार था उसमें जो कटौती दिन पर दिन किए जा रहे हैं, हर एक हफ्ता हर एक 15 दिन पे सरकार अपने चिट्ठी के माध्यम से ग्राम सभा के अधिकार को छीन लेना चाहती है। क्या क्या छीना है वो बताइए। छीना है जिसे हम लोग पहले ग्राम सभा में जो योजना पारित करते थे और उन योजनाओं को हमारे पास जो संसाधन आता था उसमें खर्च करके गली नली जो भी हमारा जो भी मेरे वार्ड मेंबर हुए मेरे जो कार्यकारिणी के सदस्य हुए जो उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो योजना लेना था हम लोग लेते थे, लेकिन अब सरकार के जो चिट्ठी आ गया है उसके अनुसार टाइड अनटाइड जो फंड आता है फंड के साथ में ही एक पत्र आ जाता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि टाइड में आपको इतना खर्च करना है, अनटाइड में आपको इतना ही खर्च करना है, और टाइड अनटाइड में भी 4 कैटेगरी है। अब समझ जाइए कि 60 लाख रुपया आया है और 8 कैटेगरी है, हम उसमें कौन कौन कैटेगरी में कितना देना चाहेंगे। और दूसरा चीज़, हमारा 15 वार्ड मेंबर है, अगर एक एक वार्ड मेंबर एक एक योजना भी नहीं देगा तो कैसे उसका बेचारा का इज्जत बचेगा। लेकिन यहाँ तो अब स्थिति यह आ गई है कि 5 से 6 योजना से ज़्यादा हम लोग ले ही नहीं सकते। आने वाला चुनाव में हम ईंट से ईंट बजा देंगे और प्रदेश से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार को भी बदलने का मुखिया को ताकत है। चलिए यहाँ पे महिलाएं मुखिया भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है? सुमिति दे। मुखिया जी हैं। पंचायत का नाम बताइए। लेधा पंचायत। कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे यहाँ पर बैठे हैं, अपना मांग कर रहे हैं, अपना योजना को लिए, अपना जनता को अधिकार को लिए। मुखिया को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। तो बोलता है सब काम तो मुखिया जी ही करते हैं। सब काम करते हैं तो सब तो सरकार छीन लिया है, तो कौन काम कर रहे हैं? सब काम छीन लिया सरकार, तो कुछ भी नहीं देता है। चलिए और भी यहाँ पे लोग, उनसे ही बात करते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उर्मिला देवी। मुखिया जी है? हाँ। कौन से पंचायत के? हनैल लदीपुर। तो कहाँ बैठे हैं यहाँ पे, पता है आपको? हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि काम हम लोग का नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उसमें बनरबाट हो जाता है, और वेतन भी हम लोग का 2500 रुपया है, तो कि क्या बाल बच्चा खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि अपने खाएंगे कि जनता को देखेंगे, सब बताइए। वेतन तो बढ़ाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? हाँ। कितना बढ़वाना है? कितना बढ़वाना है जो सरकार से जितना हम कहेंगे उतना सरकार बढ़ा देंगे, लेकिन हम लोग का भी भिखारी बना कर रखे हैं। भिखारी बना दिया? कैसे भिखारी बना दिया? मुखिया के नाम पर भिखारी बना कर रखे हैं सरकार हम लोग के। तो बताइए तब नहीं कि 2500 रुपया दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं? सब काम तो मुखिया ने काम दे रहे हैं, सब चीज तो अपने पास रख रहे हैं। क्या क्या चाहिए बताइए? हम लोग का सब काम चाहिए, 14वीं पंचम और सब काम चाहिए। अगर 31 तारीख तक सरकार अगर हम लोग मुखिया संघ की बात नहीं मांगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार को कटोरा हम लोग भी थमा देंगे। हम लोग को सरकार जो अथी जनता चुना है और जनता को मांग, जनता का मांग मुखिया लोगों से है, और मुखिया लोग अगर जनता को मांग नहीं पूरा करेंगे तो भड़का करके हम लोग उसके विपरीत वोट कर देंगे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को हाथ में कटोरा हम लोग थमा देंगे। तो सरकार ही को कटोरा थमा देना है क्यों, और क्या? यही सरकार तो और सरकार थी जो कि हम लोगों को सम्मान पूर्वक काम देता था। अब बताइए कि एक मजदूरा भी काम करता है तो 400-500 रुपया कमाता है, लेकिन मुखिया का भत्ता क्या है? 83 रुपया, मात्र 83 रुपया कुछ पैसा। अब बताइए हम लोग एक बार 10-20 आदमी आता है तो 150-200 रुपया का तो चाय खर्चा हो जाता है, हम लोग 83 रुपया में किसको सेवा करेंगे, अपना पेट भरेंगे या बच्चे को खिलाएंगे? हम लोगों को सम्मान पूर्वक मुखिया का दर्जा दिए हैं तो सम्मान पूर्वक वेतन भी दीजिए। हम लोग शर्म से बोलते भी नहीं हैं, अगर कोई पूछता है कि मुखिया जी कितना वेतन मिलता है, अब हो जाता है वेतन। कितना वेतन कितना करवाना है? 2500 रुपया वेतन मिलता है, बताइए। हम लोग को 25,000 वेतन चाहिए। 25,000 वेतन चाहिए? 25,000 रुपया वेतन चाहिए, सम्मान पूर्वक वेतन चाहिए, जो मुखिया का नाम है उस सम्मान के हिसाब से वेतन चाहिए हम लोगों को। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ के मुखिया के लोगों का विचार जाने, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं उनके बारे में जाने। इन लोग का डिमांड है कि जो इन लोग का अधिकार था वो अधिकार फिर से मिलनी चाहिए, वेतन 2500 रुपया से लेकर के जो है हटा करके 25,000 करनी चाहिए। तो ये वीडियो देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।